दोस्तों ऑन पैसिव इज रेडी टू शाइन इट्स लव ऑन ह्यूमैनिटी, यानी कि ऑन पैसिव इस दुनिया के अंदर अपनी जो ह्यूमैनिटी है ना उसके ऊपर एक बहुत अच्छी तरीके से चमकने वाली है आने वाले टाइम के अंदर। इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है, एस मुफारेश्वर ने जिस तरीके से ऑन पैसिव को डिजाइन किया है, उन्होंने सबसे ज्यादा उस बात पे फोकस किया है कि इस देश के अंदर, इस दुनिया के अंदर ऐसे कितने लोग हैं जो रात को खाना नहीं खा पाते हैं, ठीक तरीके से सो नहीं पाते हैं, ऐसे कितने लोग हैं जिनको रहने के लिए घर नहीं है, ऐसे कितने लोग हैं जिनको पहनने के लिए कपड़े नहीं है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। अगर हम एक परसेंटेज निकालें तो ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो हमारे आसपास भी हम देखते होंगे कि बहुत सारे लोगों को रात को जो है खाना नहीं मिल पाता होगा और वो रात को ही अपने आप भूखे पेट भी सो जाते होंगे। और बहुत सारे दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो ऐसे भी लोग होंगे जो कि रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं और थाली भर के खाना ले लेते हैं और बाकी का आधा खाना खाते हैं और आधा खाना बर्बाद भी कर देते हैं, ऐसे भी बहुत से लोग हैं। तो यहां पे इन सारी चीजों को देखने के बाद में एस मुफारेश्वर ने एक सबसे अंदर उनके अंदर एक चीज यहां पे उनके माइंड के अंदर आती है, उनके दिल के अंदर एक चीज आती है कि अब मुझे ह्यूमैनिटी के लिए कुछ करना है, मुझे ऐसे लोगों के लिए बहुत काम करना है जो लोग आज पूरी तरीके से ये अपना जो जीवन है वो सही तरीके से नहीं बिता पाते हैं, वो गरीबी रेखा से और भी बहुत ज्यादा नीचे रह रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए उन्होंने एक संस्था का जो है एक निर्माण किया, उसका नाम था ओ ब्लेस के नाम से उन्होंने एक बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन बनाई हुई है, एक बहुत अच्छी उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन चलाई हुई है। और ओ ब्लेस जैसे ही लॉन्च होगा तो इस ओ ब्लेस के माध्यम से बहुत सारे ऐसे लोगों को हम यहां पे हेल्प कर पाएंगे, ऐसे बहुत सारे लोगों को हम यहां पे मदद कर पाएंगे जो लोग खाना नहीं खा पा रहे हैं आज, वो पूरे दिन भूखे रहते हैं, जिनको पहनने के लिए कपड़े नहीं है, रहने को घर नहीं है, ऐसे लोगों को हम यहां पे हेल्प कर पाएंगे। उन्होंने सबसे अच्छी बात ये कही है कि आप इसकी शुरुआत जो है अपने घर के आसपास से ही करेंगे। जितने भी हमारे फाउंडर्स हैं उन्होंने एक बात कही है कि इसकी शुरुआत जो है जितने भी फाउंडर्स हैं वो अपने घर के आसपास से ही करेंगे, अपने पड़ोस से ही करेंगे, बिकॉज हमारे पड़ोस में भी ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो आज अच्छी तरीके से अपनी जिंदगी को जो है नहीं जी पा रहे हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अच्छी तरीके से खाना नहीं खा पा रहे हैं। तो एस मुफारेश्वर ने ऐसे बहुत सारे इस पूरी दुनिया के अंदर बहुत सारे वीडियोस, ऑडियोस, इन सारी चीजों को देखा होगा और हमने भी अक्सर अपनी वीडियोस के अंदर बहुत सारी यूट्यूब पर हमने वीडियोस देखी होंगी, बहुत सारे हमने फिल्मों के अंदर भी देखा होगा कि एक व्यक्ति जो है एक टाइम के खाने के लिए भी कितना स्ट्रगल करता है और एक दूसरी तरफ एक ऐसा भी व्यक्ति है जो कि उस खाने को पसंद तक नहीं करता और वो फेंक देता है। तो एक ह्यूमैनिटी के नाते जो है इस ओ ब्लेस को ऑन पैसिव ने जन्म दिया है और इस ओ ब्लेस के माध्यम से हम बहुत सारे लोगों की हेल्प करने वाले हैं। ऑन पैसिव में फाउंडर्स लोगों की जो संख्या है आज 14 लाख के आसपास है। अगर 14 लाख लोग भी अगर केवल 10% काम अगर अपने लेवल से भी करना शुरू कर दें तो हम एक बहुत बड़ी चेंजिंग अपने आसपास लेके यहां पे आ सकते हैं। और ऑन पैसिव के अंदर जो फाउंडरशिप लोगों को दी गई है और हमारे जो सीईओ मिस्टर एस मुफारेश्वर है उन्होंने फाउंडरशिप में हम लोगों को क्यों लेके आए हैं, हमें हम सब लोगों को फाउंडर क्यों बनाया है, उसके पीछे एक रीजन ये भी है कि वो काम जो अकेले नहीं कर पाएंगे पूरी दुनिया के अंदर, वो काम जो हम सब लोग फाउंडर्स लोग मिलकर के बड़े आराम से कर सकते हैं। तो एक ऑन पैसिव का जो सपना है वो सपना भी हम यहां से बड़े आसानी से पूरा कर सकते हैं। तो ऑन पैसिव इज रेडी टू शाइन इट्स लव ऑन ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी के ऊपर एक बहुत ही अच्छी तरीके से ऑन पैसिव चमकने वाली है और इसका हम जीता जागता जो एग्जाम्पल होगा वो हम आने वाले टाइम में बहुत सारे लोगों के सामने हम देने वाले हैं, बहुत सारी वीडियोस भी इसके ऊपर बनेंगी, बहुत पूरी दुनिया इस चीज को देखने वाली है। इसीलिए हम कहते हैं कि ऑन पैसिव पूरी दुनिया के बिजनेस से सबसे अलग होने वाला है। बिजनेस तो पूरी दुनिया कर रही है, सारी कंपनियां मिलकर के पूरा का पूरा बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन हम यहां पे बिजनेस के साथ साथ हम ह्यूमैनिटी के लिए क्या कर रहे हैं, हम ह्यूमन के लिए क्या कर रहे हैं, ये एक सबसे बड़ा अंतर दिखाई देगा ऑन पैसिव के अंदर और अदर कंपनीज के अंदर। ये सबसे बड़ा डिफरेंस दिखाई देगा और यही अंतर दिखाई देगा अदर कंपनी के जो एम्प्लॉयज हैं उनके अंदर और हम सब फाउंडर्स हैं उनके अंदर। यानी कि ऑन पैसिव के फाउंडर्स और अदर कंपनी के एम्प्लॉयज, इन दोनों के बीच में ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस दिखाई देने वाला है और यही चीज जो है आपकी वैल्यू को और ज्यादा बढ़ा देगी। आपकी जो वैल्यू है, आपकी जो दूसरों की नजरों में जो आपकी वैल्यू है वो और ज्यादा यहां पे बढ़ने वाली है। तो दोस्तों ऑन पैसिव इज रेडी टू शाइन इट्स लव ऑन ह्यूमैनिटी, बस इस चीज को ध्यान रखिए और आने वाले टाइम के अंदर जो भी हम ऑन पैसिव जो ह्यूमैनिटी के लिए जो भी कर सकती है, क्योंकि ऑन पैसिव जो है किसी एक
इंडिविजुअल किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं है, ये हम जितने भी लोग फाउंडर्स हैं कंपनी के अंदर जितने भी लोग हैं उन सभी को मिलाकर के ऑन पैसिव बनती है। और ऑन पैसिव का मतलब ही यही है कि हम सब एक फैमिली के रूप में है और जो भी काम करना है हम सब लोगों को वो एक ही डायरेक्शन में करना है। ओके, तो ये था आज का एक सबसे सीक्रेट और सबसे पावरफुल मैसेज, ऑन पैसिव इज रेडी टू शाइन इट्स लव ऑन इट्स ह्यूमैनिटी। ओके दोस्तों, मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक आप अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर हिट कर लीजिए। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, वी आर इन इट टू विन इट। अब इतनी देर देख लिया, थोड़ा और देख लो, बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट मैसेज है और वो ये है कि अगर इस वीडियो का अगला भाग भी आप चाहते हो कि मैं लाऊं तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताओ, और इस वीडियो का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा पसंद आया उसको भी कमेंट बॉक्स में यार ऐसे धक्का देता है कोई। हाँ तो सुनो, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, घंटी के बटन को भी दबा देना, और इस वीडियो पे 100 लाइक चाहिए मुझे, 100। जिसने भी वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया तो समझ लेना जग्गा नाम है हमारा, सपने में आते हैं हम। ठीक, चलो बंद कर, चल।